हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ आनंद सिंह उपाध्याय। और आज हम लोग लेके आए हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका हम लोग शॉर्ट प्रीव्यू देखेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। ये वैसे आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं तो ऑर्बिटल सब सेल वगैरह के बारे में जानते हैं। तो एस वाले ऑर्बिटल में दो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रहता है, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब हम लोग देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो उसका मेमोनिक्स है भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो सत्तू सुपारी पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल और फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे, जैसे एस वाला जो सबसेल है वो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, पी को 2 से और डी को 3 से और एफ को 4 से। उसके बाद हम लोग भर लेंगे, 1 के बाद एस 2 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 3 4, फिर यहाँ पे 4p, यहाँ पे 5s, यहाँ पे 4d, यहाँ पे 5p 6s और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5d 6p 7s। तो इस शॉर्ट मेमोनिक्स को अगर हम याद कर ले तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं। फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं, सत्तू सुपारी पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो एग्जांपल के लिए हम लोग अगर स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के देख लेते हैं। तो सत्तू सुपारी पब्लिक स्कूल यहाँ तक लिख के देख लेते हैं। हाँ, मेरा बन जाएगा ठीक है, 1 2 2 3 3 और 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में भरते हैं मैक्सिमम, फिर 2 भरते हैं, फिर पी में 6 भरते हैं, तो 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 हो गया 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। उसके बाद फिर हम लोग डी में जाएंगे तो 3d1, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d। इसको हम लोग KLMN के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। KLN जितना भी जो इसके आगे लगा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर n। तो अगर n इक्वल टू वन है तो वो K सेल से बिलोंग करेगा, अगर n इक्वल टू 2 है तो L सेल से बिलोंग करेगा, n इक्वल टू 3 है तो M से करेगा, और इसी तरह n इक्वल टू 4 है तो ये n से बिलोंग करेगा। तो हम इसको लिख के देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन L में देख लेते हैं, 2 और 6 8 हो गया, M में देख लेते हैं 2 6 8 8 और यहाँ 1 9 हो गया, और N में हो गया हमारा एन में हो गया 2। ठीक है, तो इस तरह इस मेमोनिक्स को फॉलो करके हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे और भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें। जैसे जिंक का है 30, जिंक 30 है, ठीक है, जिंक 30 है तो सत्तू सुपारी पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ पर लिख के देखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, पहले तक काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 4 6 के ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको काउंट कर लो, 2 2 6 6 2 2 4 4 6 10 10 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 हो गया ये 30। उसको भी हम लोग KLMN के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, KLMN। पहला K में तो 2 होगा, फिर इसमें 8 होगा, M वाले में देख लेते हैं 2 और 6 8
8 और 10 18, तो 2 और 8 10 10 18 28 2 30, तो इससे इसका वैलेंसी भी हम लोग पता कर सकते हैं। लास्ट सेल में 2 है तो जीन का वैलेंसी 2 होता है। तो ये मेमोनिक्स को फॉलो करके हम अधिकतर कुछ कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें तो इस मेमोनिक्स से हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखने आ गया तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देख सकते हैं कि इससे कौन कौन सा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें।